फॉरेन ऑफिस गए अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। 3 महीने का पता नहीं 6 महीने का वीज़ा था, वो एक्सटेंड कराने के लिए गए। उनको ऑसलैंडर ब्योर्डो में बैठा कर पुलिस को कॉल करके उनको पकड़वा के लेकर गए। वो जाने के बाद उनके फिंगरप्रिंट्स निकले। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे सारी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, मगर आज की वीडियो मैं आप लोगों को पर्सनली खुद रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को कम्प्लीट देखना। क्यों कम्प्लीट देखना? क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने, 2-3 सब्सक्राइबर मगर एक जो सब्सक्राइबर हैं वो उनकी वाइफ की वजह से वो मेरे से बहुत क्लोज थे, उनसे मेरा रابطہ होता रहता था, मगर आज तकरीबन परसों उसको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया, मगर उनको पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे। 9 साल के बाद, 9 साल जर्मनी में रहने के बाद फिर भी उनको डिपोर्ट कर दिया गया। क्या गलतियां थी, क्या वजह थी, क्यों उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब बातें बताऊंगा। आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी जो उस बंदे ने गलती की या उस भाई ने जो गलती की। देखें, अभी सीन ये हुआ है कि उनकी वाइफ जो है वो भी एक स्टूडेंट है, वो स्टडी करने के लिए जर्मनी आ रही है। अभी उनका वीज़ा लग चुका है, उस बहन ने मुझे अपना वीज़ा भी भेजा है, 100% उसका वीज़ा लग चुका है। अभी सीन ये था कि उनको दोनों को यहाँ पर आना, मतलब वो तो जर्मनी में थे ऑलरेडी, उसको यहाँ पर आना था। उन्होंने शादी की, सब कुछ किया, तो उन्होंने कहा यहाँ पर आके हम लोग अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पर स्टडी करूँगी आपके एरिए में और आप जॉब करिएगा, तो हम दोनों एक बहुत ज़बरदस्त अपनी लाइफ गुजारेंगे। ये सारा कुछ उन्होंने प्लान किया, मगर प्लान ये हुआ जिस दिन वो उस बहन का वीज़ा लगा उसी दिन उसको पुलिस ने बुलाया उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कुछ बातें पूछने के लिए, और ऑसलैंडर बेहोटे ने उसे बुलाया कि आप यहाँ पर आएँ। वो वहाँ पर पहुँचा है, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस उसको लेकर के सारे डायरेक्ट वहाँ पर पुलिस स्टेशन, कुछ दिन वहाँ पर रखने के बाद उसको डिपोर्टेशन, जो बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, जो भी कह सकते हैं, वहाँ पर वो लोग उनको जाके बंद कर दिया। जब उनसे मेरी बात हुई, उनकी वाइफ से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई एक नहीं बंदा था वहाँ पर, बहुत सारे पाकिस्तानी थे जिन पाकिस्तानियों को उन लोगों ने पकड़ के बंद कर दिया। अभी कहने का मकसद ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि यार डिपोर्टेशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, भाई सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी गलतियाँ क्या है, इंसान क्या गलतियाँ करता है, क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखें, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वो लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर आते हैं पैसा कमाने शुरू हो जाते हैं, वो लोग इंटीग्रेशन कोर्स नहीं करते, जर्मन लैंग्वेज कोर्स नहीं करते, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते। चेक मीन्स ये कि जो उनको डॉक्यूमेंट्स जहाँ से आते हैं, फॉरेन ऑफिस से आते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को वो इग्नोर कर देते हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, जाते हैं जॉब करते हैं पैसा कमाते हैं, जब ये सारी चीज़ें इनके गले में पड़ जाती है उसके बाद भागना स्टार्ट कर देते हैं, यार मैंने क्या गलती कर दी। देखें, गलती जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ, उस बंदे ने, जो भाई है, उसने गलती क्या की और उससे क्या गलती हो गई, जिससे आप लोग भी बहुत एहतियात कीजिएगा। वो 9 साल यहाँ पर रहे, उन्होंने जॉब की, एक प्रॉपर जॉब की, जर्मन टैक्स पेयर था, टैक्स दे रहा था, लैंग्वेज कोर्स नहीं किया, मगर उसने अभी जाके लैंग्वेज कोर्स में, इतने सालों के बाद अभी जाके उसने लैंग्वेज कोर्स में जब उसने पार्टिसिपेट किया तो वो लेट हो चुका था, क्योंकि इतने साल बाद उसने अभी जाके जब उसको फॉरेन ऑफिस से और ऑसलैंडर ब्योर्डो से जब प्रेशर पड़ा कि भाई आप ये चीज़ें करें, तो उसने जब स्टार्ट की और उसको बोला कि अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करो, वो अपने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ उसने बनवा के रख दिए। जो एक जो गलती थी ना, वो थी एक वकील की गलती, क्योंकि वकील ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 9 साल के अंदर, उस वकील ने सही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए, वकील ने कुछ बातें इसे नहीं बताई जिससे उसको पहले ही एहतियात करना था, वकील ने सारी चीज़ों का इसको सही तरीके से नहीं बताया। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो वकील यहाँ पर है, एडवोकेट जो है यहाँ पर हैं, वो ज़्यादातर वो फेवर करते हैं अपनी गवर्नमेंट की, वो आपको सही तरीके से नहीं गाइड करते, वो लोग आपको सही तरीके से गाइड नहीं करते, क्योंकि उनको ऊपर से, बाहर से, जो गवर्नमेंट से प्रेशर है कि इन लोगों के साथ ऐसा ना किया जाए, इनके जो केस वगैरह है वो ज़्यादा ना सुने जाए, तो इस वजह से वो लोग ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको कहते हैं कि आप ये करें, आप वो करें,
तो इस यही वजह बनती है। अभी उस भाई की वजह क्या बनी, तो उस भाई ने सब कुछ किया, सब कुछ टैक्स पेयर था, सब कुछ था, मगर गलती जो थी उसकी गलती एक थी। उसकी गलती ये थी कि उसके दोस्त वगैरह थे, वो अपार्टमेंट में ऊपर बैठा हुआ था, उसके दोस्त नीचे थे, उनकी किसी जर्मन से लड़ाई हो गई, जर्मन से लड़ाई होते होते हाथापाई हो गई और ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर एक दूसरे को मारना पीटना स्टार्ट किया। जब मारना पीटना स्टार्ट किया तो वहाँ पर औजार जो हैं वो भी स्टार्ट हो गए, जो जो आप कह सकते हैं कि डेंजरस चीज़ें थी वो भी स्टार्ट हो गए। उन पाकिस्तानियों ने उस बंदे को, जर्मन बंदे को पूरा पूरा उसको क्या कहते हैं इंजर्ट कर दिया। तो ये भाई थे, जब इन्होंने देखा तो उनके दोस्तों ने ऐसे आवाज़ दी कि भाई नीचे आ जाओ, यहाँ पर लड़ाई हो गई है। जब वो नीचे आया तो उसने देखा तो वो जो जर्मन जो उसके पाकिस्तानी बंदे थे वो सारे भाग गए दोस्त, और ये अकेला वहाँ पर खड़ा था। जब वहाँ पर खड़ा हुआ था तो उस जर्मन बंदे को उस टाइम नहीं पता चला, उस जर्मन बंदे ने बोला ये भी बंदा साथ है। तो जब वहाँ पर पुलिस आई, पुलिस इसको लेकर गई और पुलिस केस हुआ, सारा कुछ होकर कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जब जाने के बाद जो हेयरिंग हुई, हेयरिंग में उसका नाम आ गया, जिसकी वजह से उसका सारा केस ख़राब हो गया। जो उसके दोस्त थे वो सारे भाग गए और नाम इसका आ गया, मुफ्त में उसका नाम आ गया। जो अपनी एक ज़बरदस्त लाइफ, एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, जॉब कर रहे थे, टैक्स दे रहे थे, अचानक उसकी लाइफ में यह टर्न आउट हो गया कि ये सारा केस उसके ऊपर आ गया। और उसके ऊपर आने के बाद उसका केस सारा उड़ गया, मतलब केस उड़ गया नहीं, मतलब केस उनका चल रहा था, वहाँ से हेयरिंग हुई, हेयरिंग में ये गिल्टी हो गए कि ये बंदा है जिस बंदे को डिपोर्ट कर दिया गया। ये चीज़ें उसने गलती की। गलती के बाद एक जर्मन लैंग्वेज कोर्स नहीं किया, क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से मतलब हर चीज़ की, मगर वो जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स है वो बहुत लेट स्टार्ट किया। जब सारी चीज़ें हो गई, जब कोर्ट ने उसे पहले कहा था कि आप लैंग्वेज कोर्स करें, इंटीग्रेशन कोर्स करें, उसने नहीं किया। बाद में जाके किया जब सारी चीज़ें हद से गुजर चुकी थी। तो उनको बुलाया, फॉरेन ऑफिस गए अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए, 3 महीने का पता नहीं 6 महीने का वीज़ा था, वो एक्सटेंड कराने के लिए गए। उनको आउटलैंडर ब्यूरो में बैठा कर पुलिस को कॉल करके उनको पकड़वा के लेकर गए। वो जाने के बाद उनके फिंगरप्रिंट्स निकले, उसके फिंगरप्रिंट्स हंगरी से निकले। वो हंगरी, जर्मन गवर्नमेंट ने उसे रातों रात हंगरी भेज दिया। हंगरी में अभी क्या हुआ कि वहाँ पर अभी जो उनकी फैमिली से मुझे पता चला है कि वो कह रहे हैं हंगरी से भी हम लोग डिपोर्ट करेंगे, हंगरी से हम लोग वापस इसको जर्मनी नहीं भेजेंगे। देखें सीन ये होता है कि जैसे आपका फिंगरप्रिंट जहाँ से निकलता है, जिस कंट्री से निकलता है, उस कंट्री में आपको भेज दिया जाता है, फिर वो कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करती, वो आपको भेज देती है वापस उसी कंट्री में जिसने आपको डिपोर्ट किया। तो इस तरीके से अभी देखें ये सिलसिला जारी है। जो हंगरी जो है उसने जर्मन से रब्ता किया, जर्मन ने कहा नहीं हमने इसको डिपोर्ट कर दिया, हमें इस बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो फाइनल जो फैसला ये हुआ है कि हंगरी गवर्नमेंट है वो उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करेगी। अभी पाकिस्तान डिपोर्ट करेगी, उनके पास जो भी थे, कुछ भी यूरोज वगैरह थे, वो सारे यूरोज उन्होंने रख लिए। 3,000 यूरो थे वो सारे, उन लोग जो पुलिस थी या तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने सारे उससे यूरोज ले लिए। उसके पास कुछ भी नहीं है, 1 यूरो भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब डिपोर्ट होते हैं तो वो उनको यूरोज देते हैं, वो उस बिहाफ पे देते हैं जब उनका पहले से प्लान होता है, तो फिर वो उन बंदों को यूरोज देते हैं। जिनको एकदम पकड़ लेती हैं उनको कुछ यूरोज नहीं देती, उनके पास जो भी होता है वो सब छीन लेती हैं। सिर्फ इवन मोबाइल है, मोबाइल वापस दे दिया, मगर सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा सीन नहीं है भाई, ये 100% सीन हो रहा है। जो ये चीज़ें नहीं मानता, इंशाल्लाह ताला अगर हुआ, अगर वो बेन आ जाती है, अगर वो खुद चाहती हैं, तो एक दफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर उनसे मैं आप लोगों से रابطہ कराऊंगा या उनसे इंटरव्यू लूंगा कि भाजी कैसे हुआ सारा कुछ, वो सारी चीज़ें हमें बताएंगी। तो
आप लोगों को एक चीज़ ये करनी है कि जो भी चीज़ करनी है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करनी है। आपको जॉब अगर कर रहे हैं जॉब करें, टैक्स दे रहे हैं टैक्स दें, उसके बाद इंटीग्रेशन कोर्स ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, जर्मन लैंग्वेज कोर्स ज़रूर कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो अवॉइड करते हैं, उनको रिस्पॉन्स ही नहीं देते। वो डॉक्यूमेंट्स ही सारी चीज़ें हैं, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलते हैं, अपॉइंटमेंट जाके आप अपॉइंटमेंट वहाँ पर पहुँचिएगा। बहुत सारे यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर, वो अपॉइंटमेंट मिलता है तो वो जाते भी नहीं हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं देते, वो कोई गल नहीं है, ये कुछ भी नहीं हो जाएगा। मैं जब गले में पड़ जाती है वही बंदे आते हैं फिर रोते हैं मेरे पास, सलमान भाई कोई वकील दे दे, सलमान भाई ये करे वो करे। तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें। तो आप लोगों को सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप लोग इस बात को, इस चीज़ को इजी ना लें। जो इजी लेगा उसके साथ यही होगा, तो आप इनको इजी ना लें। तो अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल कीजिएगा। मेरी यही दुआ है, जो भी यहाँ पर बंदा आया है, पाकिस्तानी इंडियन जो भी है, उनको ये कहूँगा कि इस चीज़ को इतना ईजी मत लें। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।